दोस्तों, दिवाली दीपों का पर्व है। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति में दीपक को सत्य और ज्ञान का घोतक माना जाता है, क्योंकि वो स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। दीपक की इसी विशेषता के कारण धार्मिक पुस्तकों में उसे ब्रह्मा स्वरूप माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि दीप दान से शारीरिक एवं आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, वहां दीपक का प्रकाश पहुंच जाता है। दीपक को सूर्य का भाग सूर्यांश संभव दीपक कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार दीपक का जन्म यज्ञ से हुआ है। यज्ञ देवताओं और मनुष्य के मध्य संवाद साधने का माध्यम है, संवाद में बात करने का माध्यम। यज्ञ की अग्नि से जन्मे दीपक का यह पर्व अच्छे से मनाइए। जो नहीं मना सकते उनका सहयोग करिए। इसी के साथ एक संदेश भरी कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अच्छा लगे तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ये प्रकाश का अभिनंदन है, अंधकार को दूर भगाओ, पहले स्नेह लुटाओ सब पर, फिर खुशियों के दीप जलाओ। शुद्ध करो निज मन मंदिर को, क्रोध अनल नालच विष छोड़ो, परहित पर हो अर्पित जीवन, स्वार्थ मोह बंधन सब तोड़ो। जो आंखों पर पड़ा हुआ है, पहले वो अज्ञान उठाओ, पहले स्नेह लुटाओ सब पर, फिर खुशियों के दीप जलाओ। जहां रोशनी दिन दिखाई, उस पर भी सोचो पल दो पल, वहां किसी की आंखों में भी है आशाओं का शीतल जल। जो जीवन पथ में भटके हैं, उनकी नई राह दिखलाओ, पहले स्नेह लुटाओ सब पर, फिर खुशियों के दीप जलाओ। नवल ज्योति से नव प्रकाश हो, नई सोच हो नई कल्पना, चहुदिशी यश वैभव सुख वर से पूरा हो जाए हर सपना। जिसमें सभी संग दिखते हो, कुछ ऐसी तस्वीर बनाओ, पहले स्नेह लुटाओ सब पर, फिर खुशियों के दीप जलाओ। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको ये कविता अच्छी लगी होगी। प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ लास्ट में एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से दिवाली मनाइए, अच्छे से दीप जलाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।